ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। श्री मुक्तसर साहब दी पुलिस नूं उस वेले वड्डी सफलता हासिल हुई जदों पुलिस ने शहर दे इक कारोबारी कोलों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे नाम हेठ 1.5 करोड़ दी फरौती दी मांग करन वाले गिरोह दा पर्दाफाश करदिआं दो नौजवानां नूं काबू कर लिया, जदों कि इस मामले दे मुख साजिशकर्ता अजे फरार है जिस दी भाल कीती जा रही है। पुलिस ने दोषियों दा रिमांड हासिल करके पुछगिछ शुरू कर दिती है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। इस मामले संबंधी जांच करते हुए जिला मुक्तसर साहब के सीनियर पुलिस कप्तान सूडरविली के निर्देशों से CIA स्टाफ के इंचार्ज इंस्पैक्टर सुखजीत सिंह समेत पुलिस टीम वालों दोषियों नूं काबू करन लई ट्रैप लगाया गया। जदों दोषी अपने वालों दसी थान ते फरौती की रकम लैन आए तो उन्होंने पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। दोषियों को एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए दोषियों की पहचान अमनदीप उर्फ सीपा ते रमन बावा वजो हुई है जो कि मलोट के ही रहने वाले ने। गिरफ्तार किए दोषियों को की गई मुढ़ली पुछगिछ में उन्होंने दसिया है कि सारा ड्रामा उन्होंने मुहल्ले डेयरी का काम करने वाले गगनदीप मलूजा वासी जंडवाला ने रचाया है। यह भी पता लगा है कि इस मामले में पुलिस को कुछ होर व्यक्तियों उत्ते भी शक है जिन्हों बारे गगनदीप मलूजा की गिरफ्तारी तो बाद ही खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने दोषियों को माणयोग अदालत में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल कर लिया। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ लई ब्यूरो रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ। ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ।